झारखंड प्रदेश साफ सफाई एवं घरेलू कामगार संघ द्वारा राजधानी रांची स्थित राजेंद्र चौक के समीप श्री शिव मंदिर महावीर मंदिर न्याय समिति धर्मशाला में दीपोत्सव के अवसर पर दैनिक मजदूर एवं सफाई कर्मियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। मौके पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे, डॉक्टर राजेश गुप्ता, झारखंड प्रदेश साफ सफाई एवं घरेलू कामगार संघ के अध्यक्ष लाल किशोर नाथ शाहदेव समेत मंदिर के पुजारी और कई साफ सफाई कर्मी उपस्थित रहे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हम लगातार करते हैं, साज सजावट करते हैं, स्पेक्टर पाते हैं, लेकिन क्या हम बगल के लोगों को देख पाते हैं जिससे उनके जिंदगी कैसे हम कैसे पाते हैं? साधन संपन्न दीपावली मनाते हैं, लेकिन बगल में मोहल्ले में ही गरीब लोग रहते हैं, क्या उनके घर में दिया जलता है, क्या उसमें खुशहाली होती है उनके बीच में? अगर नहीं हुए पड़ोस में खुशहाली, मोहल्ले में खुशहाली, शहर में खुशहाली गरीब लोगों के बीच में, सूबे में खुशहाली गरीब लोगों के बीच में, तो मैं समझता हूँ कि अपनी खुशी भी अधूरी है। हर किसी की, मेरी भी और जितने संपन्न लोग हैं उनके उनकी खुशी दीपावली के दिन की खुशी की मजदूरी है। अगर कुछ लोग गरीब लोग जाते हैं उनके घर में दिया नहीं जलता, मिठाई नहीं खा पाते, आज इस अवसर पर किशोर जी, आलोक जी और एक सीमित लोगों गरीब लोगों के बीच ही दिया जलाने और मिठाई खिलाने का काम कर रहे हैं, तो मैं साधुवाद करूँगा, बुरी बुरी प्रशंसा करूँगा। इस तरह से जो भी प्रयास करते हैं, मैं उनके उनके साइड में उनके पक्ष में अपने को पाता हूँ। और इस तरह के जितना आयोजन होता है, लोग जहाँ जहाँ जो बुलाता है उस पर जरूर जाता हूँ। बड़े आयोजनों में जाऊँ कि नहीं जाऊँ, लेकिन ऐसे आयोजनों में जिसमें क्योंकि हमें सिखाया गया है भारतीय दर्शन अनुसार कि दरिद्र ही नारायण, गरीब ही भगवान, इस दर्शन को प्रमाणित करने का और दिखाने का, प्रदर्शन करने का सबसे बढ़िया अवसर है दीपावली। ऐसे लोग सब पर्व हैं जिसमें बंधन नहीं किया गया, जो आपको गाइडलाइन निकाला, प्रोटोकॉल निकाला, और सब मना नहीं किया कि मिठाई मत खाओ, मना किया कि पटाखा मत खाओ, मिठाई गुणवत्ता नहीं है। हाँ, गुणवत्ता अलग है, गुणवत्ता तो दिवाली हो कि नहीं हो, गुणवत्ता तो बराबर होना चाहिए, कि सीधे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। दिवाली के समय मिठाई खाएं या बनाएं या खाएं या बाद में, पहले या बाद में, अरे दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में मुनाफे के लिए मिलावट करके, खाद्यान्न हो या मिठाई हो, मिलावट करना देहा और मुनाफा कमाते हैं। और फिर धार्मिक आयोजन करते हैं पैसा कमाते हैं, वैसे लोगों से मैं सहमत नहीं होता कि आपने पाप किया है,